बालाघाट जिले के गौदरी चौकी में महिला की निर्मम हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया महिला के पति पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। दरअसल घटना बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के बटकरी की है, जहां महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की शिनाख्त 30 वर्षीय निर्मला कोसरे के रूप में हुई, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं और हाथ पैर कपड़े से बंधे हुए थे। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले मृतिका का उसके पति रविंद्र के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते शंका जताई जा रही है कि पति ने हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। देखिए, रात के समय का घटनाक्रम है। थाना हट्टा के अंतर्गत चौकी गोदरी पड़ती है, इसी में ग्राम में बटकरी बटकरी निवासी थी शालू, वाइफ ऑफ रवि कोसरे नाम उसका, उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास की है। और सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि उसकी लाश उसके घर के पास में ही बाड़ी में पड़ी हुई है। मृतिका के हाथ पांव दुपट्टे से बंधे हुए थे और साथ ही उसके पति उसके साथ में वहीं पर रह रहा था। प्रथम दृष्टया चूँकि अज्ञात आरोपी के द्वारा उसकी हत्या करना प्रतीत हो रहा है, तो उसमें पीएम कराकर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो संभावना प्रतीत हो रही है कि पति के, चूँकि ऐसा ज्ञात भी हुआ कि पति के साथ उसका कल विवाद भी हुआ था, तो संभवतः हो सकता है पति ने ही उसका हत्या की हो। इन सभी बिंदुओं पर जांच कर जल्द ही इसका खुलासा किया जाए। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।